अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब होप आप सब अच्छे से होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे आप लोग की दुआओं से हम लोग भी अच्छे हैं और फिर से आ गई हुए नए ब्लॉग के साथ तो ये ब्रेकफास्ट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज हम लोग सब लोग जा रहे हैं मेराकल गार्डन घूमने तो फर्स्ट हम लोग घर से निकले सुबह सुबह और ब्रेकफास्ट किया अच्छा सा साउथ इंडियन डोसा और पूरी भाजी वाला उसके बाद हम लोग निकल गए हैं और मेराकल गार्डन जाने के लिए क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था ना मम्मी आई हुई हैं तो हम लोग सब लोग जो अच्छे अच्छे दुबई की जो फेमस फ़ेमस जो जगहें हैं आइकॉनिक प्लेसेस तो वो सब चीज़ें हम लोग घूम रहे हैं उनको भी घुमा रहे हैं उनको भी दिखा रहे हैं कि दुबई में क्या क्या चीज़ें हैं तो देखिए हम लोग बस पहुंच गए हैं मेराकल गार्डन और ये पूरा जो मेराकल गार्डन है ये पूरा फ्लावर्स से बना हुआ है तो आइए अंदर आपको दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त डिज़ाइन से अंदर और कितने अच्छे से फूलों का जो बनाया गया हर एक चीज़ तो एकदम हम लोग तो एकदम वो हो गए देख और इस वीडियो के थ्रू आप लोग भी देख के एकदम वो जाएंगे मतलब शॉक्ड हो जाएंगे कि किस तरह से कितना अच्छा इस तरह से बनाया गया है इस चीज़ को और सिर्फ फूलों से और उसको किस तरह से लोग ये लोग मेंटेन करते होंगे देखिए ये मेन एंट्रेंस है पहले तो बाहर से हम लोग आए वहाँ पे टिकट विकेट चेक होता है फिर ये एंट्रेंस है तो दो इस तरह से बड़े से हॉर्स बने हुए हैं और एकदम ग्रास के हैं वो और ओरिजिनल है सब ये सब जो फ्लावर्स वगैरह देख रहे हैं ग्रास वगैरह जो भी है सब ओरिजिनल है और यहाँ पे दुबई में मिराकल गार्डन जो है दुबई में ये विंटर्स के सीजन में ओपन होता है और विंटर्स जैसे ही ख़त्म होता है अभी मार्च एंड तक ये रहेगा इसके बाद अप्रैल से ये बंद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गर्मी है एज़ यू नो कि दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो यहाँ की गर्मी ये में ये इस तरह से सर्वाइव नहीं कर पाएगा और देखिए किस तरह से यहाँ पे फाउंटेन वगैरह भी लगा हुआ है बैठने की जगह भी बनी हुई है बीच बीच में तो हम लोग देखते देखते फिर बीच में रिलैक्स करने लग रहे थे बैठ जा रहे थे और ये यहाँ पर देखिए कितना अच्छा यहाँ पे अलग अलग कलर के ना अम्ब्रेलाज लगे हुए हैं ऊपर की साइड तो इतना कलरफुल इतना वाइब्रेंट कलर इतना अच्छा लग रहा था और यहाँ पर देखिए पूरा फूलों का इस तरह से डिजाइन बनाया हुआ है और यहाँ पे देखिए इस तरह से क्वेश्चन रखे हुए थे आराम से रिलैक्स हो जाओ सन बात भी ले लो मतलब धूप भी सेक लो और व्यू इंजॉय करो देखिए यहाँ पे बीच में पौंड बना हुआ है और पौंड के ऐसे साइड साइड में देखिए कितना अच्छा कितना प्यारा व्यू आ रहा है और यहाँ बीच बीच में इस तरह से शेड भी बनाए हुए चेयर बेंच भी रखे हैं बेड भी सकते हैं और देखिए पता नहीं वीडियो में किस तरह से आप लोग को देख पा रहे समझ पा रहे कि नहीं मगर रियल में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे देखिए हार्ट बना हुआ है और कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे इतनी बड़ी सी एमिट्स की डबल डेकर फ्लाइट है जिसको फूलों से सजाया गया है तो यहाँ पे हम लोग पिक्चर निकाल रहे थे मम्मी और अम्मी यानी मेरी मम्मी और मेरे साल दोनों खड़े हुए हैं और और मेरे हस्बैंड उनकी पिक्चर निकाल रहे थे तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया और पीछे फ्लाइट देखिए कितनी बड़ी है मतलब ये ओरिजिनल फ्लाइट है डबल डेकर वाली इसको मतलब फूलों से पूरा डेकोरेट किया गया यहाँ पे देखिए इसके विंग्स कितने बड़े यहाँ तक है इसके विंग्स और फिर हम लोग पूरा घूम रहे थे और हर तरफ जिस साइड भी जा रहे थे एक नया डिज़ाइन का बनाया हुआ था एक नया स्टाइल था मतलब हर जगह एकदम नया और यहाँ पे देखिए एक शॉप्स भी हैं कुछ शॉप्स भी हैं जो कि यहाँ के सोवीनियर्स यहाँ पर मिलते हैं दुबई से के तो बहुत सारे यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं देखिए हैट वगैरह मिल रही है कि धूप अगर लग रही है तो लोग हैट खरीद के लगा लें कैप्स खरीद लें और ये यहाँ पे लाइन से ऐसे शॉप्स हैं कैफेटेरियाज भी है यहाँ पे देखिए एक पैलेस की जैसे बनाया गया सीढ़ियाँ हैं तो यहाँ पे फोटो जब हम लोग ने खिंचाई तो बहुत अच्छी पिक्चर आ गए अच्छा आप एंजॉय कर रहे हो हां देखो देखो गार्डन में जाना है गार्डन में जाना है थक गए क्या कहीं नहीं सन अपने कलर्स देखिए कितने कलर्स कलर के फ्लावर्स हैं हाँ ये दादी का फेवरेट कलर है फेवरेट मम्मा के भी फेवरेट कलर्स हैं बेटा हां ये वाला कौन सा फ्लावर है हां ये वाला कौन सा है सन फ्लावर का कलर आपको सनफ्लावर का कलर कितना है ना? हाँ। है, ना? वो कैसे वो रहा है। कैसे वो फ्लाई कर रहा है है ना? देखो मैजिक से वो ऊपर हो गया देखो और जैसा कि आपने देखा बच्चे भी कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं हर एक चीज देख के बच्चे भी एकदम अमेज हो रहे हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक रेस्ट एरिया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि ऊपर से पूरा ढका हुआ था प्लांट से तो नीचे आराम से बैठे थे मम्मी भी बैठ के आराम से रेस्ट कर रही थी क्योंकि इतना घूम घूम के थक गए थे और यहाँ पे देखिए बारह बज के आठ मिनट हो रहे हैं मैं टाइम दिखा रही हूँ और यहाँ पर क्लॉक बनाई गई थी जो कि एकदम टाइम के हिसाब से चल रही थी और ये देखिए फूलों से बनी हुई है और फिर हम लोग ऊपर की तरफ आ गए और यहाँ पे भी एक बेंच पे बैठ गए थे और ये बात बहुत अच्छी है कि वहाँ पे जगह जगह पर ना बेंच बनाई हुई है ताकि आराम से घूमो और फिर बैठ जाओ और बैठ के नेचर एंजॉय करो अब भले ही यहाँ पे ये आ, मतलब लोगों का मैन मेड है मैन मेड चीज़ें हैं मगर है तो नेचुरल चीज़ ना फ्लावर्स से प्लांट से बनाई गई है तो उसको बैठ के देखो 360 सिक्सटी एंगल पूरा दिख रहा है ऊपर से और इतना ज़बरदस्त दिख रहा था ऊपर से जाने के बाद पूरा चारों तरफ देख सकते हैं तो पब्लिक आके ऊपर बैठ जा रही थी और देख रही थी ये हम लोग इसके भी ऊपर एक फ्लोर है वहाँ पर जा रहे थे तो वहाँ पर ऊपर कैफेटेरिया वगैरह भी था और जिस तरह से बनाया गया मतलब वर्थ है जो भी यहाँ पर यहाँ का टिकट वगैरह है तो वर्थ है वहाँ का जो टिकट है वो पर परसन नाइन्टी फाइव दरहम पर पर टिकट का है मगर इनके कोई फ्रेंड हैं उनके थ्रू हम लोग को डिस्काउंट में मिला था सिक्सटी दरहम पर पर्सन हम लोग को मिला था और ओरिजिनल वहाँ का टिकट प्राइस है वो 95 फाइव दरहम पर पर्सन है और यहाँ ऊपर से देखिए पूरा आपको व्यू नज़र आ रहा होगा एमरेट्स ए की फ्लाइट का और यहाँ पे देखिए जिस तरह से ये डॉल है जिस तरह से तो बनाया गया और उसका नीचे का पार्ट पूरा ऐसे घूम रहा है जैसे नहीं आप डॉल देखते हैं ओरिजिनल डॉल होती है ना गुड़िया कैसे डांस करती रहती उस तरह से ये पूरा घूम रहा था और यहाँ पे देखिए वो टिकटॉक वाला वो फ़ोन लगा हुआ था कि आप अपना वीडियो रील्स बनाएं और फैमिली आके बारी बारी डांस कर रही है यहाँ पे देखिए किस तरह से लोग डांस कर रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं एकदम फन मूड में लोग हैं आराम से बहुत अच्छा लगा सबको हम लोग को सबको बहुत पसंद आया ये जगह वैसे तो ये बहुत दिनों से है आ, खुली हुई है मगर हम लोग भी नहीं गए थे तो मम्मी आई हुई थी मम्मी को भी गार्डनिंग और फूलों का प्लांट्स का बहुत शौक़ है तो हम लोग ने आ, सोचा कि यहाँ पे भी चलते हैं उनके साथ तो ये देख सकते हैं आप लोग हर कोई एकदम इंजॉयमेंट मोड में है घूम रहे हैं फिर रहे हैं अच्छा वहाँ से फिर उसके बाद हम लोग निकल गए और निकलने के बाद हम लोग चले गए डायरेक्ट लव लेक लव लेक भी दुबई में ही है तो ये देखिए लव लेक के पास आ गए हैं हम लोग और यहाँ पे देखिए फ्लेमिंगोज यहाँ पे लव लेक के पास ही एक छोटी सी लेक है जिसको जो फ्लेमिंगो लेक बनाई गई है तो मैं आपको दिखाती हूँ करीब से ये कितने सारे फ्लेमिंगोज हैं यहाँ पे देखिए फीड कर आ सकते हैं वैसे तो अलाउड नहीं है मगर फिर भी लोग ब्रेड रेड कुछ दाना वगैरह डाल रहे थे यहाँ पे फ्लेमिंगो है इसका बच्चा था स्वैन और पीछे आप लोग देख सकते हैं कितने सारे फ्लेमिंगोज हैं पीछे बहुत सारे किस तरह से ये चल के जा रही थी ना वो बहुत क्यूट लग रहा था ये वाला स्वैन यहाँ पे इतने सारे फ्लेमिंगोस हैं देख सकते हैं आप लोग और बहुत अच्छा लगता है अच्छा ये जो लव लेक है ये बहुत अच्छी जगह है ओवर नाइट लोग स्टे करते हैं और जाके इस तरह से लेक के पास ना फ्लैमेंगोज को देखते हैं मतलब ये भी एक वो है कि वहाँ पे जाओ और स्ट्रेस रिलीज़ होता है और डिप्रेशन के जो होते हैं ना जाओ और चाहे आप फिश को देखो चाहे आप बर्ड्स को देखो तो वो बहुत अच्छा एक वो थेरेपी का काम करता है कि देखने से इतना सुकून और जो भी स्ट्रेस वगैरह टेंशन वगैरह वो सब दूर हो जाती है और फिर हम लोग आगे की तरफ जा रहे थे और आप लोग देख सकते हैं बीच बीच में लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं लोगों ने टेंट लगाए हुए हैं चेयर टेबल्स लगाई हुई है बैठे हुए हैं फैमिली गैदरिंग हो रही है कई कई फैमिली सब एक साथ आती है और लोग बार वगैरह करते हैं घर से भी खाने बना के लेकर आते हैं तो हम लोग ने गाड़ी को पार्क कर दिया है और अपनी सारी चीज़ें लेकर जा रहे थे अब मम्मी आई थी कम दिनों के लिए तो ये था कि जो जो अच्छी अच्छी जगहें हैं ना तो सब चीज़ें दिखा दो बाद में ये नहीं होगी कि ये नहीं दिखा पाए वो नहीं दिखा पाए जितना ज्यादा हम लोग से हो सका तो हम लोग सोचते थे कवर कर लें और ऊपर से हस्बैंड भी मंडे टू फ्राइडे ऑफिस होते थे तो हम लोग का क्या फ्राइडे इवनिंग और सैटरडे संडे हम लोग बाहर निकल जाते थे घूमने के लिए तो यहाँ पे आ गए हैं लव के अंदर यहाँ पे इतनी सारी फिशेस हैं और बड़े बड़े से फिश है और मगर वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि फीडिंग नॉट अलाउड मगर फिर भी बच्चे जो है ना मानते नहीं हैं कभी बच्चे बिस्किट खिला रहे हैं ब्रेड खिला रहे हैं और कितनी सारी फिश एक साथ एक झुंड बना के इकट्ठे हो जाती थी तो और पानी देखिए इतना इसको मेनटेन ये लोग करते हैं कि पानी इतना साफ है कि नीचे की ज़मीन एकदम क्लियर नजर आ रही है देखिए एक के पीछे कितने सारे फ़िश आ गए और इतनी बड़ी बड़ी फिश थी माशाल्लाह काफ़ी बड़े फ़िश डाले हुए हैं और ये पूरा देख सकते हैं आप लोग लोग बैठे हुए हैं इस तरह से ग्रुप में और ठंडी का वेदर है ना यहाँ पर ना गर्मियाँ इतनी ज़्यादा पड़ती है तो जब ठंड आती है ना लोग अच्छे से इन्जॉय करते हैं आउटडोर एक्टिविटी अच्छे से करते हैं दिसंबर जनवरी में बहुत अच्छा वेदर रहता है बाहर जाओ घूमो गर्मी का कुछ एहसास नहीं होता है हम लोग यहाँ पे एक जगह बैठ गए थे और यहाँ पे देखिए लेक के बीच में एक रास्ता बनाया था जिसमें लोग उस रास्ते पे चल के जा रहे थे तो बच्चे भी चले गए अच्छा पानी इतना ठंडा था मगर देखिए इन लोगों को ज़रा भी बच्चे कहाँ मानेंगे उन लोग को बस पानी मिल जाए खेलने के लिए और देखिए किस तरह से चल रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं और भी लोग थे जो कि आ रहे थे क्रॉस करके जा रहे थे दूसरे साइड तो काफ़ी अच्छा लग रहा था बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं पानी में खेल रहे हैं और एक तरफ हम लोग यहाँ पे फ्रूट्स कट कर रहे हैं मम्मी फ्रूट्स कट कर रही थी हम लोग लेकर आए थे घर से फ्रूट्स वगैरह तो कट कर रहे हैं आराम से जब हम लोग मिराकल गार्डन से निकले तो हम लोग ने लंच कर लिया था कहीं पर रुक के और उसके बाद हम लोग यहाँ आ, आ गए थे लव लेक की तरफ तो देखिए फ्रूट्स वगैरह कट हो गया मम्मी ने सारे फ्रूट्स कट कर दिए और बच्चे भी आ गए खेल खेल के बच्चों को भी भूख लग रही थी तो बोल वगैरह सब लेकर आए थे फ्रूट्स सब वॉश करके और चाकू भी लेकर आए थे कि वहीं पे बैठ के आराम से खाएंगे कट करेंगे तो बहुत अच्छा लग रहा था एकदम नेचर के पास ऐसा नेचर वाला फील आ रहा था क्योंकि एक तरफ लेक है ग्रास है मौसम अच्छा है और पूरी फैमिली बैठी और आजू बाजू भी लोग बैठे थे कोई बारबीक्यू कर रहा है कोई गाना वाना लगा के बैठा है बातें कर रहे हैं मतलब बहुत अच्छा लगता है इन सब जगहों पर जाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है और ये सब जो है नेचर को आप इन्जॉय कर सकते हैं अगर दुबई में है तो वो है सिर्फ विंटर्स के टाइम क्योंकि समर में ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है फिर सिर्फ बीच के पास ही लोग जा पाते हैं और ऐसे सब जगहों पे नहीं जा पाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पे देखिए हम लोग सब लोग फ्रूट्स खा रहे हैं फ्रूट्स इंजॉय कर रहे हैं और मम्मी को भी पूछा तो मम्मी कैसा लग रहा है तो मम्मी बोल रही थी अच्छा लग रहा है और फिर हम लोग भी चले गए यहाँ पानी क्रॉस करने लगे हम लोग ने भी सोचा हम लोग भी जाके देखते उस साइड है क्या एक बार हस्बैंड गए थे चक्कर लगा कर आए फिर अभी बच्चे हस्बैंड के साथ थे मगर बोला था कि साथ साथ रहो पापा के मगर वो लोग कहाँ बैठ रहे थे वो भी हम लोग के पीछे पीछे आ रहे थे फिर देखिए रास्ता आपको साफ पता चल रहा है बीच में ऑरेंज कलर का तो हम लोग ने रास्ता क्रॉस कर लिया इस तरह से ऊपर की तरफ जाने लगे तो ऊपर से पूरी लेक नज़र आ रही थी वैसे कुछ खास था नहीं मगर तो पब्लिक जाके सिर्फ देख रही थी और यहाँ पे देखिए कुछ फोटो के कुछ पॉइंट्स बने हुए थे सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए क्योंकि इसका नाम लव लेक है तो हार्ट बना हुआ है इस तरह से और यहाँ पे ना ये जो लव लेक ये जो लेक पूरी दिख रही है ना वो हार्ट के शेप में है दो हार्ट बने हुए हैं ये पूरी ऐसे तो नहीं नज़र आएगा ऊपर से शायद ड्रोन व्रोन का शॉट लेंगे तब नज़र आएगा तो हम लोग ने वो सब फ़ोटो वोटो खिंचाई और फिर अब वापस की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे देखिए चटाई बिछा के बैठे हुए हैं हस्बैंड और बस यही बोल रही थी मैं कि अब चलिए निकलते हैं शाम होने से पहले निकल चलते हैं तो काफ़ी मज़ा आया काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने इस तरह से बैठ के सुबह में राकेल गार्डन और शाम में लव लेक की तरफ तो हम लोग निकल गए थे अपना सारा सामान वामान निकाल के और फिर देखिए इतनी सारी फ़िशज इकट्ठे हो गई थी दे, अभी हम लोग जाते टाइम ने दिखाया था ना तो कितनी कम थी अब देखिए कितनी सारी फिश इकट्ठे हो गई है और बहुत अच्छा लग रहा था और कुछ तो किसी दूसरे बच्चे ने ब्रेड व्रेड डाला था या कुछ तो डाला था खाने की चीजें इसी वजह से इतनी सारी फिश एक ही जगह पे इकट्ठे हो गई यहाँ के और ये देखिए मम्मी भी कुछ जा रही थी खिलाने के लिए बिस्किट वगैरह कुछ खिला रही हैं मम्मी भी तो इतनी सारी एक साथ इकट्ठे हो ग्रुप में आई जा रही थी और काफी बड़ी बड़ी भी थी तो मैं बच्चों को वही कह रही थी थोड़ा आराम से रो नहींती थी सारी फ़िश है तुम लोग को पकड़ के उठा के लेके चली जाएंगी ये देख सकते हैं और बस फिर हम लोग निकल गए वहाँ से और कितना अच्छा लग रहा है शाम का वक्त है सूरज पूरा एकदम सामने है मतलब एकदम डूबने वाला था तो बहुत मज़ा आया बहुत अच्छा लगा तो अगर आप लोग भी दुबई आ रहे हैं घूमने फिरने तो फिर ज़रूर जाइए लव लेक और मेराकल गार्डन जो लोग दुबई में रहते हैं वो लोग तो जानते ही होंगे और फिर घर आने के बाद मम्मी इन लोग ने मटर जो थी हम लोग मटर लेकर आए थे फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट से तो मटर छील दिए थे तो फिर वही दोनों ने बैठ के छील दिए थे तो फिर मैं उसको ही आ, रख रही थी जिप लॉक बैग में इस तरह से रख के और फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि एकदम फ्रेश रहे और थोड़ी सी फ्रिज में भी रख देती हूँ ताकि आ, मुझे अगर कुछ ताज़ा कुछ बनाना हो तो बना सकती हूँ तो ये देखिए इस तरह से मैं पैक करके जिप लॉक बैग में अलग अलग जिप लॉक बैग बना के उसमें करके फ्रीज़ कर देती हूँ या फिर फ्रिज में भी रख देती हूँ तो ताज़ी मटर का सीजन तो रहता है ना सर्दियों में तो फिर अच्छा रहता है अगर ताज़ी मटर लेके खुद ही फ्रीज कर लो तो बाजार से लेने से अच्छा होता है घर में ही फ्रीज़ कर लो और ये देख सकते हैं लहसन अदरक भी छील के दे दिया था तो फिर मैंने भी लहसुन अदरक को वॉश करके इसका पेस्ट बना लिया ताकि मेरा चल जाएगा बोल के गए थे कि आराम से इसको रख लो वॉश करके पीस के ताकि चल जाएगा लसन अदरक क्योंकि मेरे खत्म हो रहे थे लसन अदरक ना पिसा हुआ रहता है तो अच्छा रहता है फिर ये देखिए नेक्स्ट डे दे का व्लॉग है और हम लोगों की ब्रेकफास्ट पार्टी थी आज किसी दूसरे फ्रेंड के घर पे थी आप लोगों को जैसे मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में दिखाए होंगे ब्रेकफास्ट पार्टी तो हम लोगों के यहाँ हर महीने किसी ना किसी एक फ्रेंड के घर में ब्रेकफास्ट पार्टी होती है तो हर को वहाँ पे हम लोग एक एक डिश बना के लेके जाते थे मगर यहाँ पे जिस फ्रेंड के यहाँ थी तो उन्होंने बोला नहीं मेरे घर में फर्स्ट टाइम है तो किसी को कुछ भी बना के नहीं लेकर आना है मैं सब कुछ बनाऊँगी और बस आप लोग बस आ जाओ तो देखिए यहाँ पे उसी की तैयारी कर रही है बहुत सारी डिशेज बनाई हुई थी यहाँ पे देखिए उन्होंने हलवा बनाया हुआ था सूजी का और एक तरफ ब्रेड पकौड़ा फ्राई हो रहा था देख सकते एक तरफ कढ़ाई में इमली की चटनी बनी हुई है और यहाँ पे क्या बना हुआ है यहाँ पे पास्ता बना हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खुद ही से बनाई है वरना हम लोग तो एक एक दो दो डिश डिवाइड कर लेते थे हम लोग सब लोग खुद खुद से घर से बना के लेके जाते थे यहाँ पे देखिए इन्होंने चना बनाया हुआ था तो बस वो सब की तैयारी हो गई थी और बस डिश आउट कर रहे थे फिर उसके बाद उन्होंने टेबल पर सर्व कर दिया था ये देख सकते हैं बहुत सारी डिशे थी जो उन्होंने बनाए हुए थे और काफ़ी अच्छा लगा और ये हम लोग ना ब्रेकफास्ट पार्टी इसलिए करते हैं बच्चे सबके स्कूल में रहते हैं और सबके एक छोटे छोटे सबके बच्चे हैं ना तो हम लोग इतना फ्री होकर बैठ नहीं पाते तो जब बच्चे स्कूल में रहते हैं हम लोग आराम से बैठते हैं दो तीन चार घंटे खाते पीते बातें करते हैं और बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़े करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ये पार्टी करके तो हर महीने या महीने में दो बार हम लोग के यहाँ हम लोग एक्सचेंज करते रहते हैं कभी किसी के घर कभी किसी के घर बर्थडे पार्ट, ब्रेकफास्ट पार्टी होती है जिसमें हम लोग खूब मजे कर ब्लैक कलर का ड्रेस थीम था तो सारे लोग ब्लैक कलर में नजर आ रहे हैं और जब घर आई शाम को तो हस्बैंड के फ्रेंड ने किसी चाइनीज़ फ्रेंड ने उनको गिफ्ट किया हुआ था ये क्योंकि चाइनीज़ न्यू ईयर चल रहा था कुछ दिनों पहले आप लोग को याद होगा चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था तो किसी फ्रेंड ने उनको गिफ्ट किया हुआ था तो वही लेकर आए थे तो मेरे को दिखा रहे थे तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था तो मैंने कहा बहुत अच्छा ये तो बहुत अच्छा गिफ्ट है चाइनीज़ न्यू ईयर पर देख सकते हैं तो ये देखिए इसके सॉसर भी है और कैटल भी था और कप्स भी थे तो बहुत अच्छा लगा तो मैं इसको अरेंज कर लूँगी तो ये था आज का यहाँ तक का व्लॉग होप आप लोग ने इंजॉय किया होगा पसंद किया होगा पसंद किया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और अपने आगे फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा कमेंट करिएगा अच्छा अच्छा तो फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए दुआओ में याद रखिए अपना ख्याल रखिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफिज़